आली जनाब राजीव आलम भाई को जो रांची से चल रहा है, मैं उनके लिए एक शहर बोलना चाहता हूँ, बिठा दो उन गद्दारों को। जी बताएं आज की बैठक के बारे में क्या? आज की मीटिंग जो है, जो कि धनबाद MIM की तरफ से बुलाई गई है, और इस मीटिंग के थीम के बारे में मैं बता दूं कि ये एक मीटिंग रखी गई है, इस वजह कर रखी गई है कि कुछ लोग जो कि पहले किसी दूसरे पार्टी में हुआ करते थे और उस पार्टी के तिरस्कृत और बहिष्कृत करने के बाद वो खुद को शो कॉल्ड MIM के अधिकारी और उत्तराधिकारी बन रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा मेंबरशिप रसीद भी उन्होंने नहीं कटाया है। मैं झारखंड के जिम्मेदार होने के नाते, असदुद्दीन ओवैसी साहब के उत्तराधिकारी होने के नाते, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि वो झारखंड में मजलिस के मेंबर तक नहीं है, वो किसी दूसरी बड़ी पार्टी के बहिष्कृत और तिरस्कृत इंसान है जिनको उनके कार के वजह कर उनको बहिष्कार का सामना करना पड़ा। आज वो शो कॉल्ड MIM के उत्तराधिकारी बन रहे हैं और रांची की सरजमीन में फेक प्रोग्राम रखे हुए हैं कि फला अधिकारी आने वाले हैं। मैं अधिकारी का आदमी हूँ, इसलिए मैं इस बात को पूरे यकीन और पूरे ये के साथ कह सकता हूँ। कौन है वो? आपके उबान मलिक साहब हैं, यहाँ के एक्स मलिक साहब जो यहाँ के जो विधायक थे, उनके साहबजादे हैं, बेटे हैं उनके जी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही की गई है। मैंने खुद दारुसलाम में फ़ोन करके उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि मजलिस का काम झारखंड में जिम्मेदारी आपको दी गई है, अगर कोई टीम बनेगी तो वो आपके मातहत बनेगी, आपके नीचे रहेगी, न के बिना बताए हम किसी और टीम को ऊपर से बना देंगे। आज वासेपुर में बैठक की गई है, बैठक की मेन मुद्दा क्या है आप लोगों? वासेपुर में जो बैठक हुआ है आपके सामने, आज जो बैठक हो रही है, इसका असल मुद्दा ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में गलत काम करने वाले लोगों को खबरदार करना है कि आप मजलिस में आ करके कभी किसी और पार्टी से फायदा नहीं उठा सकते। अगर आपको मजलिस में आना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करना है, असद साहब का दामन थामना है, तो आप सामने के दरवाजे से आइए। जिस तरीके से लोग आते हैं, जिस तरीके से मेंबरशाजी होती है, जिस तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है, आप शो कॉल्ड खुद को झारखंड के अधिकारी कैसे बना लिए? क्या आपको असद साहब ने अथराइज दिया? क्या आपको असद साहब ने किसी तरह का लिखित कहा, किसी तरह का कोई पावर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं दिया है मेरे जानकारी से। इसके आगे कुछ क्या करेंगे आपके पार्टी या फिर आप? आगे ये होगी हमारी कार्रवाई कि हम इंशाल्लाह ताला आगे कुछ दिनों में हम हैदराबाद के तरफ कुछ करेंगे और वहां से काम करने की अथॉरिटी हम लेकर के आएंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला असद साहब का एक प्रोग्राम झारखंड की सरजमीन में रखा जाएगा, चाहे रांची में हो, चाहे धनबाद में हो, चाहे जमशेदपुर में हो। ये जगह का चुनाव हम बाद में करेंगे, पहले हम बहुत जल्द असद साहब की एक मीटिंग झारखंड की सरजमीन में रखने वाले हैं, पब्लिक मीटिंग, जो कि आम मीटिंग होगी, आम सभा होगी, जिसमें आप तमाम लोग इज्जत से बुलाए जाएंगे। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद राजीफ आलम, झारखंड में मजलिस का प्रचारक। यहाँ पे सिर्फ प्रचार करने का अधिकार असद साहब ने दिया है, किसी को अधिकारी बनने का अधिकार नहीं दिया है। वो कोई भी आदमी जो अपने आप को मजलिस का अधिकारी कहता है, वो फेक है, वो गलत है। वासेपुर में प्रोग्राम रखने का मेन मकसद ये था कि यहाँ के लोगों को रूबरू किया जाए, मजलिस के बारे में बताया जाए, कार्यकर्ता एक सम्मेलन हम लोग रखना चाह रहे थे, और एक जो डिफरेंस पैदा हो रहा है कि हुबान मलिक साहब के आने से, और रांची में प्रोग्राम रखे हैं आज, शायद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो उसके वजह से तो कन्फ्यूजन पैदा हुआ था, ठीक है, वो हम लोग मेन दूर करना चाहते थे पब्लिक के बीच से, माध्यम से, और चाहते थे कि अपनी बात को यहाँ पे हम लोग रखें। कितने कुछ सच्चाई है इस पार्टी में उनका एंट्री होना? पार्टी में अभी हमारे सारे जो सुप्रीमो हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने अभी तक कोई पेनलाइज नहीं किया है कि मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कोई ऐसा औपचारिक ऐलान नहीं है। अगर हुबान मलिक चाह रहे हैं ऐसा बताना चाह रहे हैं कि हम टिकट लेके मस्जिद से चुनाव लड़ जाएंगे, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बेकार बात है, क्योंकि हमारी पार्टी का सारा देख रेख असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, अगर वैसा कुछ होगा तो वो खुद उसका औपचारिक ऐलान करेंगे। इस बारे में वन साथ से कोई बात आप लोगों का हुई है? नहीं, हमारा कोई बात ही नहीं, जब वो पार्टी के मेंबर ही नहीं है तो फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं। जैसा देखा जाए आपकी पार्टी में एंट्री होने का मतलब नाम चल रहा है, वो इससे एक ढोंग है उनका, एक टिकट लेने उनके फादर को, अगर आज उनको फादर को टिकट डिक्लेयर हो जाएगा तो कल वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। मेरा नाम हुआ तारिक अभी, मैं धनबाद का जिम्मेदार हूँ।